السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to all of you dear friends. I hope that you are all doing well and enjoying your online virtual classes. And these classes must help you in learning all the subjects and all the topics that you have. So, आज हम क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फोर पार्ट्स एंड होल्स पेज नंबर 50. तो आप सभी बच्चे अपनी पेन नोटबुक और किताब अपनी मैथ बुक निकालिए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स एंड होल्स क्या होता है. ठीक है ना, पार्ट्स क्या हुआ और होल्स क्या हुआ, सिंपली है. ठीक है ना, तो जैसे ये जो सबसे पहले हम होल पे डिस्कस करते हैं, होल नाम आपने सुना होगा, होल कहते हैं यानी सारा पूरा. तो जिस तरह मसलन जैसे होता है होल व्हीट, ठीक है ना, आपने सुना होगा ना, आटा होता है ना, उसको लिखा होता है होल व्हीट. ठीक है ना, होल व्हीट. ठीक, तो ऐसे ही यानी होल व्हीट मतलब यानी पूरा, सबका सब उसमें क्या होता है, वीट होता है यानी आटा होता है. इस तरह क्या होता है, होल क्लास कभी कभी हम कहते हैं, ठीक है ना, या होल वर्ल्ड कहते हैं. ठीक है, यानी पूरा सब जो हो गया. ठीक है ना, ऐसे ही यानी ये इसका यानी होल, ये होल कहते हैं या होल ग्रेन कहते हैं हम कभी. ठीक है ना, यानी जो पूरा यानी ग्रेन हो, अनाज का पूरा दाना हो, वो होल हो गया, यानी सारा कोई भी यानी पूरा पोर्शन. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये किया, ठीक है ना, ये एक होल्स. ठीक है ना, होल कहते हैं पूरा, यानी ये पूरा है. ठीक है ना, ये आपने आपने घर में रोटी लाई, आपके ये एक रोटी है मैंने बनाया. ठीक है ना, ये होगी ब्रेड होगी. ठीक है ना, ये क्या है, पूरी है, होल है. ठीक है ना, या आपने मार्केट से कुछ चीज़ लाई, तो बिस्किट का आपने डब्बा एक लाया, पैक लाया. ठीक है ना, ये होल पैक है, पूरा है. ठीक है ना, ये होल कहते हैं, होल पूरे को कहते हैं सारा. और सेकंड उसके बाद पार्ट्स होते हैं. ठीक है ना, पार्ट्स कहते हैं हिस्से को. ठीक, यानी जिस तरह ये जो व्हीट है, मैंने होल व्हीट का आपको दिया है ना, आटा होता है जिसका फ्लोर, तो उसमें से जब वो होल व्हीट जब उसकी फिर है ना उसको पीसा जाता है, तो उसमें उसके बाद क्या निकलता है ना, तो आटा उसमें निकलता है और मैदा निकलता है ना, और उसमें यानी और भी चीज़ें निकलती हैं, सूजी निकलती है, यानी ये सब चीज़ें उसके फिर पार्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, इस तरह या मसलन ये हमें हमारे पास ये एक, ठीक है ना, अब हम इसी होल पे ही डिस्कस पार्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब पार्ट्स में से जैसे हमारे पास एक ज़मीन है. ठीक है ना, किसी के पास मसलन एक एक आदमी थे, उसके पास ज़मीन थी. ठीक है ना, ये उसकी ज़मीन है, उसका लैंड है. ठीक है, अब उसके चार बच्चे हैं, तो अब उसने उन चारों को उसने ये उसकी होल ज़मीन है. ठीक है ना, सारी अब उसने उसको उनमें डिवाइड करना है, तकसीम किया है, कितने पार्ट्स में किया, कितने हिस्सों. ठीक है ना, एक दो तीन चार, इस होल के कितने पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स. ठीक है ना, ये आपने समझा ये कंसेप्ट, होल और पार्ट्स. ठीक है ना, पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को और होल कहते हैं पूरे को. तो ठीक, अब चलो हम अपने सबक की तरफ आते हैं. सबसे पहले है आवर फ्लैग. फ्लैग कैसे कहते हैं, ये जो झंडा होता है. ठीक है, आपने देखा होगा, ये है आवर फ्लैग, इंडिया का ये फ्लैग है. ठीक है ना, यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग. आपने अपनी कंट्री इंडिया का फ्लैग देखा होगा, आपको पता है ये कैसे ड्रा किया जाता है, यानी कैसे हम अगर बनाना चाहें, आप अपनी बुक पे बनाना चाहें, तो कैसे आप बनाएंगे. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग. आपको एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, आपको एक क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रा करना है. तो वो जो रेक्टेंगल होगा आपका, तो उसको उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कहते हैं लंबाई को. ठीक है ना, यानी ये तो
पूरी होनी चाहिए, यानी स्केल से आपको लेना है, यानी 8, यानी ये सीधी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये उसकी लंबाई होगी, मसलन ये होगी 8 सेंटीमीटर, और ये इसकी चौड़ाई होगी, ये होगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें फिर यहाँ से करना है, यानी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे किया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें ये डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने ये बनाया हमने, ठीक है ना, ये हम बना रहे हैं रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये हो गया 8 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस रेक्टेंगल में क्या देनी है, अब कह रहे हैं ये होगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हम ये लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये साइड हो गया 6 सेंटीमीटर और ये वाला साइड हो गया 8 सेंटीमीटर, दोनों यानी ये भी 8, ये 6, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको डिवाइड करने हैं 3 इक्वल पार्ट्स, यानी इनके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। यानी 6 पे हम यहाँ स्केल छोड़ेंगे, 6 के हम 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। 6 को आप 3 जगह पे आप तकसीम कर लो, आपके पास मसलन कोई चीज़ है 6, ठीक है ना। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास टाफियां हैं, ठीक है, 6 टाफियां हैं। इनको 3 जगह आपको ये डिवाइड करनी है, कितनी कितनी आएगी, 2 2 2, 3 2 6, उसको मतलब है 2 2 सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है ना। अगर 2 सेंटीमीटर में हम यहाँ एक ड्रा करेंगे और यहाँ 2 सेंटीमीटर, यानी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से ड्रा किया मसलन, ठीक, और नेक्स्ट हमने यहाँ से ड्रा किया, ठीक है, यानी ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे थोड़ा कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ये पूरा नहीं आ रहा है, यानी माउस से इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए आपको कॉपी में स्केल लानी है ना, जिस तरह आपने सीखा है पीछे, और उस पे वहाँ से 1 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो वेज थी होगी यहाँ से, ये चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से आपको, ठीक है ना, यहाँ आप स्केल छोड़ना, यहाँ स्केल का एक पॉइंट है ना, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से रखना, और यहाँ देखना यहाँ तक 6 जहाँ तक आएगा, तो और फिर 6 को आप 3 जगहों पर तकसीम करना, 2 2 सेंटीमीटर, 2 पे डॉट डालना, फिर यहाँ 2 पे डॉट, फिर यहाँ से आप एक और लाइन ड्रा करना, फिर यहाँ से एक और लाइन, यानी ये हो गया फ्लैग, ठीक है ना। द टॉप 1/3 ऑफ द फ्लैग इज सैफ्रॉन और ऑरेंज, जो टॉप है वो क्या है, वो कौन सा कलर है, वो तो या जाफरान कलर है या उसको ऑरेंज कलर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम देंगे ऐसे, आप करना उसके बाद, है ना, जैसे देंगे हम ये वाला, ठीक, ये हो गया हमारा टॉप वाला, ठीक है, ये इधर, ठीक है, ये हो गया 1/3, यानी 1/3 मीन्स 1/3, यानी कुल इसके कितने हिस्से किए हमने, 3, 3 में से एक हिस्से को हमने किया सैफरन कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग, जो मिडिल है, बीच वाला है, उसका कैसा कलर है, ये है इंडियन फ्लैग, उसका वाइट कलर है, तो ठीक है ना। हम यहाँ ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास वाइट कलर यहाँ मिल गया, वाइट कलर ट्राई करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो पूरा तो नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट आप ऐसा समझो कि हमने इसको वाइट कर लिया, हम इसको एक और ट्रिक करते हैं, फिर से हो सका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। देखते हैं वाइट कैसे होगा इस पे, नहीं वाइट तो इस पे वैसे वो फिर नीचे लिखा नजर आता है, ठीक है। आप इसको इमेजिन करें ये वाइट है, ठीक है ना, किसी और जगह हम इसको बनाएंगे बाद, फिर नेक्स्ट सेशन में हम, कल का जो होगा तो उसमें हम फिर दिखाएंगे, फिलहाल हम कैसे ही दिखा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, वेयर विल यू ड्रा द अशोका चक्र, अशोका चक्र आप कहाँ पे ड्रा करेंगे, अशोका चक्र कहाँ है, अशोका चक्र हम ड्रा करेंगे कहाँ है,
इन द मिडल, इस सेंटर में हम ड्रा करेंगे अशोक का चक्र, यानी गोल एक चक्कर हमें बनाना है, ठीक है ना, और ब्लैक कलर में, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने लिया और इसके मिडिल में हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे गोल बनाने, सॉरी यहाँ बनाना है हमें, ठीक है, ये है मिडिल इसका वाइट का, ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक, यहाँ से ऐसे इसको ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला क्या है कि जो हाउ मच ऑफ द फ्लेग विल यू कलर ग्रीन, तो आप ग्रीन आप का जो है कितने, वो कितने को आपने करना है, वन थर्ड को तो ऑरेंज हो गया, वन थर्ड को वाइट है और ग्रीन, अब वन थर्ड बच गया, इसको हम करेंगे यानी नीचे वाले जो इसका पार्ट है तो उसका हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन कलर, ठीक है, जस्ट वी आर लुकिंग फॉर ग्रीन, यस, तो यहाँ से हमने ऐसे ग्रीन किया, ठीक है, देख रहे हैं आप ना, तो ये हो गया इसका ग्रीन कलर, ये हो गया इंडियन फ्लैग, ठीक है ना, इस किस्म का। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, ग्रीन आपने किया कितने को, आपने ग्रीन किया कितने में, ये कितने हैं, सबसे पहले ये है, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक, अशोक चक्र आपने कहाँ ड्रा किया, जरा देखो, हाँ, इन द मिडिल, वाइट पूरी वाइट, ठीक, वाइट पार्ट, ठीक है, अभी इसके आंसर भी हम दिखाएंगे आपको। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, वन थर्ड ऑफ, ठीक है ना, इज द वाइट कलर नाउ लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग, व्हाई, क्या वाइट कलर जो है वो वन थर्ड से थोड़ा कम रह गया है, अगर रहा तो क्यों, तो आप देखो यानी ये वाइट है, क्या ये वन थर्ड से कम है, यानी ये सारा वाइट है, इसको आप, तो ये वन थर्ड से अगर कम है तो क्यों है, है ना, ये तो कम है, क्यों, इसके बीच में क्या है, अशोक चक्र है, तो जो इसने ऑक्यूपाई स्पेस किया अशोक चक्र ने, वो ऑटोमेटिकली वन थर्ड से कम हो गया है, तो ठीक है ना, तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, आपने देखा, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, अब इस फ्लैग पे देखो, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक, ये कितना ब्लैक है, यानी इसका काला कलर इसको जो किया है वो कितने में किया है, ठीक है ना, आप सबसे पहले देखें ये कौन सा फ्लैग है, फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान का फ्लैग है, ठीक है ना, तो ये कितना, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये कितना इसका ब्लैक कलर इसको कितना किया है, इसके भी कितने, ये एक रेक्टेंगल की तरह है, कितने पार्ट किए हैं, वन टू थ्री, और इसका यानी बराबर बराबर ही इक्वल है, और वन थर्ड, तो ब्लैक कितना हो गया इसका, वन थर्ड, ठीक है ना, ब्लैक यहाँ है वन, वन बाय थ्री, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, ग्रीन पार्ट भी कितने का है, ये भी वन थर्ड का है, ठीक है ना, इज रेड लेस देन वन थर्ड ऑफ द फ्लैग, वाई, ये जो रेड है अब ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या ये वन थर्ड से कम है, अगर ये कम है तो क्यों कम है, ज़रा देखो आप, हाँ ये तो वन थर्ड से कम है, क्यों, कि इसमें एक सिंबल एक है, यानी एक निशान एक है, तो जिसकी वजह से, यानी जिस जितने हिस्से को इस निशान ने जिस इतने पे मार्क हुआ है, ऑक्यूपाई किया है, वो तो इससे कम है, तो ठीक है ना, इसलिए हाँ ये तो इससे लेस है, और इसलिए क्योंकि इसमें एक सिंबल एक है, अभी हम इसको आंसर भी आपको दिखा रहे हैं, और तो
दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, ये बर्मा का है, म्यांमार का फ्लैग है ये वाला। और नेबर, वो भी हमारा क्या है, नेबर में है, हमसाया मुल्क एक है। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, ये जो इसका ये ब्लू कलर जो है ये क्या फ्लैग के 1/4 यानी 1/4 1/3 तो आ गया समझ, कि एक के अगर हमने कितने हिस्से किए, पार्ट किए 3 पार्ट किए, ठीक है ना, बराबर बराबर वो तो हो गया 1/4। ऐसे ही अगर इसके हमने कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए, तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया, ठीक है ना, यानी 1/4 हो गया, ये बराबर। अब इससे तो बराबर नहीं है लेकिन हमें ये बराबर करना है, ठीक है ना, तो ये हो गया 1/4 हो गया, 1 2 3। तो ऐसे ही यानी ये जो इसका ये जो ये वाला पार्ट है ब्लू वाला, क्या ये 1/4 से ज़्यादा है या कम है, ये तो इससे ज़रा आप देखो हो भी, अगर इसका ये यहाँ तक हो गया, या अगर 1/4 है भी लेकिन जो इसमें ये वाइट कलर है जो इसका, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये इसका लेस देन है, ये तो इसका कम है, ठीक है ना। गैस हाउ मच ऑफ द फ्लेग इज रेड, इज इट मोर देन 1/2, कहते हैं आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना ये जो रेड कलर है इसका फ्लेग का वो कितना है, ठीक है ना, वो इस रेड कलर फ्लेग का कितना हिस्सा है, क्या ये आधे से भी ज़्यादा है, इज इट मोर देन 3/4 या 3/4 से भी, यानी अगर किसी के यानी 4 पार्ट हैं उसमें से 3 पार्ट ये एक रेड कलर है, या 2 अगर पार्ट में से आधा पार्ट है, इसलिए ठीक है ना। तो आप हम इसके आंसर अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये है पेज 50, ठीक है ना। सबसे पहले ये रेक्टेंगल हमें कैसे बनाना है, ऐसे है, सॉरी हमने वहाँ ब्लैक का था, इसका ये होता है ब्लू कलर का होता है, इसको जो चक्रा होता है, ठीक है ना, आपने भी ऐसे बनाना है। तो उसके बाद इसकी ये सोल्यूशन है, आप अपनी कॉपी पे ये रेड से और ये पेंसिल से लिखिए, ठीक है ना, अपनी नोटबुक पे। और द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज वाइट, ठीक है ना, व्हाट कलर के यानी मिडिल का कलर कौन सा 1/3 का। वायर विल द ड्रॉ ऑफ अशोका चक्र, कहाँ ड्रा है, आई विल ड्रॉ द अशोका चक्र इन द मिडिल ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग, ठीक है ना, कि अशोका चक्र मिडिल है वाइट पोर्शन के, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, ग्रीन जो है वो कितने यानी कितना कलर, कितने का वो ग्रीन है, ठीक है ना, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, कितने फ्लैग के कितने हिस्से को आपने ग्रीन कलर दिया है, 1/3 पोर्शन ऑफ द फ्लैग विल कलर्ड ग्रीन, इसका भी 1/3 है यानी तीसरा हिस्सा, ठीक है ना। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, ठीक है ना, क्या वाइट कलर 1/3 से कम है, अगर है तो क्यों, येस वाइट कलर इज लेस देन, हाँ ये लेस देन है 1/3 से, बिकॉज अशोका चक्र प्रेजेंट इन द होल इन द वाइट पोर्शन, क्योंकि अशोका चक्र है इसमें, है ना, ये अशोका चक्र है वाइट में, इसलिए इसकी ये इससे कम है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है ना। इसके सोल्यूशन क्या है, देयर आर 3 पोर्शन, सो 1/3 पोर्शन ऑफ द फ्लैग इज कंटेन ब्लैक कलर, तो इस ठीक है ना, 1/3 पोर्शन फ्लैग का जो है उसको वो ब्लैक कलर में है ना उस कंटेन किया है, और द 3 पार्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, 1/3। तो इज द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई, क्या ये जो है उसका रेड पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये क्या ये इससे 1/3 से लेस है, अगर लेस है क्यों, क्योंकि इसमें एक एम्बलम है यानी एक निशान है, क्या जो रेड पोर्शन में है, म्यांमार पे आएंगे हम तो ये जो है इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, ये लेस देन है 1/4 में, क्यों लेस देन है, मैंने पहले आपको इसमें ये जो निशान है ये एक एम्बलम है इसलिए ये है, ठीक है ना। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, रेड कितना है, ये 1/2 यानी हाफ से ज़्यादा, या 3/4, तो ये क्या है, ये हाफ से ज़्यादा है और 3/4 से भी ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों से ज़्यादा है, ये आधे से भी ज़्यादा है और 3/4 से भी ज़्यादा है, यानी अगर हम आपसे ये कहें कि जस्ट मैं आपसे अगर हम आपसे ये कहें, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये 3 बिस्किट हैं, इस ये 3 बिस्किट
ए और बी, ठीक है ना। ए को मैंने ये दो दिए, ठीक है ना, ये और ये दिए, ठीक है ना, 1 2 3। ए को मैंने 1 और 2 दिए, ये दो बिस्किट मैंने ए को दिए, ठीक है ना, और बी को मैंने ये वाला दिया। तो ये जो बी को मैंने दिया, क्या ये 1/4 से, यानी ये इसके तीसरे हिस्से, या अगर इसके तीन हिस्से के करेंगे हम, ये उससे ज़्यादा है, यानी ये आधे से भी ज़्यादा है, या तीसरे हिस्से, यानी ये तो दोनों से ज़्यादा, अगर इसके हम तीन हिस्से करेंगे, इसके अगर आधा हिस्सा करेंगे, या 2/3 से भी, है ना, यानी अगर तीन हिस्से किए, तीन में से तीन दो से भी ये ज़्यादा है, ये तो इससे बड़ा है इससे एक से, ठीक है ना, इन दो से, तो और ये तो हाफ से तो ऑलरेडी बड़ा ही है, जब इससे बड़ा हुआ तो हाफ से भी ये बड़ा ही होगा, तो ठीक है ना। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छी तरह सुना होगा और बात किया होगा, जहाँ से समझ नहीं आएगी तो वहाँ कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।